नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। पटना से बड़ी खबर है, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। आज दिल्ली दौरे पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार, 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। आपको बता दें कि जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और इस बैठक में शामिल होंगे सीएम नीतीश। कल 11:30 बजे से बैठक होगी और बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, तो ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण। आज दिल्ली दौरे पर निकलने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटना से ये बड़ी खबर, 3 दिन के दौरे के लिए दिल्ली पहुंचेंगे सीएम नीतीश। और आपको ये भी बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा आज, ये बड़ी खबर। दोपहर 12 बजे से शुरू होगी परीक्षा। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि 6061 पदों के लिए आयोजित होगी ये परीक्षा। वहीं कल हेड टीचर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हेड टीचर के लिए कुल 40,247 पदों के लिए परीक्षा होगी। तो बता दें आपको कि कल हेड टीचर भर्ती परीक्षा होगी। पटना से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, दोपहर 12 बजे से आज परीक्षा शुरू होने वाली है अभ्यर्थियों की। 2.5 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा आज। मुजफ्फरपुर के साइबर थाना में तैनात ट्रेनी सब इंस्पेक्टर दीपिका कुमारी ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर दीपिका कुमारी मूल रूप से पटना के रामकृष्ण नगर की रहने वाली थी। दीपिका 4 बहनों में 3रे नंबर की थी और आपको बता दें कि दीपिका के पिता ऑटो चलाते थे। 2020 में वो बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर बहाली हुई थी, जिसके बाद प्रमोशन पाकर सब इंस्पेक्टर बन गई थी। ट्रेनिंग पूरी कर 5 दिन पहले ही उसकी साइबर थाने में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टिंग हुई थी। गुरुवार की सुबह उसने मां को फोन कर डिप्रेशन में होने की बात कही थी। सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस सभी एंगल से इस मामले को लेकर जांच कर रही है। साइबर थाना में रिसेंटली जो पोस्टिंग हुई थी उनमें एक प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर थी, जिनका जिनके द्वारा भी आज सुबह सुसाइड किया गया है और इसमें हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। कोई नोट्स वगैरह बरामद इनके? अभी तक नोट्स वगैरह कुछ बरामद हुए नहीं है। परिवार भी किसी पे जो एलिगेशन लगा नहीं रहे, बट हम लोग इसकी जांच। बिहार में पिछले 15 दिनों के अंदर 2 नए और 2 पुराने पुल टूट चुके हैं। पुल गिरने की सिलसिलेवार घटनाएं एक संयोग नहीं बल्कि पुल के निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल को दिखाती है। वहीं इंजीनियर डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने बताया है कि पुल टूटने के कई कारण हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। या तो पुल का डिजाइन सही नहीं है या फिर मटेरियल घटिया इस्तेमाल किया गया होगा। इंजीनियर से बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। तो 15 दिनों में 2 नए और 2 पुराने पुल टूट गए हैं और इसके बाद अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या पुल में घटिया तरीके का इस्तेमाल सामान का इस्तेमाल किया गया या फिर पुल की जो डिजाइन है वो ढंग से नहीं बनाई गई। बार बार पुल क्यों टूट रहे हैं? 15 दिनों की अगर हम बात करें तो 15 दिनों में 2 नए और 2 पुराने पुल टूट चुके हैं। हमारे साथ इंजीनियर डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी मौजूद हैं, जो कई पुल और कई सड़कों में अपना योगदान दे चुके हैं। सर, आपने कई पुल के निर्माण में अपना योगदान दिया, कई सड़कें भी आपने बनाई है, क्या लगता है बिहार में बार बार पुल क्यों टूट रहे हैं? एक्चुअली किसी भी पुल या किसी भी संरचना के टूटने या उसके कमजोरी के 3 प्रमुख कारण होते हैं। 1, डिजाइन में गड़बड़ी। 2, मटेरियल में गड़बड़ी। और 3, एक्सक्यूशन में गड़बड़ी। ये अगर तीनों में से किसी में गड़बड़ी है तो वह पुल या कोई भी स्ट्रक्चर कमज़ोर हो सकता है और अल्टीमेटली वो कोलैप्स हो सकता है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर कोई पुल टूट रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके एक्सपर्ट की टीम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर किस चीज़ में गड़बड़ी था, वेदर डिजाइन में गड़बड़ी था या मटेरियल में गड़बड़ी था या एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी था, तभी इस बात की स्पष्टता हो पाएगी आखिर इसके पीछे क्या कारण थे। वैसे मेरा मानना है कि जिस तरह से बार बार पुल टूट रहे हैं तो इसलिए सारे पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए ताकि समय से पहले उसका स्ट्रेंथनिंग किया जा सके, उसको मजबूती दिया जा सके। अब बिहार की अगर हम बात करें तो एक आम सी घटना हो गई है, करोड़ों की लागत से पुल का निर्माण होता है और वो टूट जाता है। कई उद्घाटन से पहले ही टूट जाते हैं, कई इस्तेमाल के बाद टूटते हैं, तो इसका मेन कारण क्या है? क्या स्ट्रक्चर की कमी है, खराबी है या फिर मटेरियल का अभाव है? यहाँ तीनों में से किसी भी चीज़ का गड़बड़ी हो सकता है। मैं पहले भी बोला हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्सपर्ट की टीम जो इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी पता चल पाएगा कि आखिर किस चीज़ में गड़बड़ी था, डिजाइन में गड़बड़ी था या मटेरियल खराब
किस्म का यूज किया गया था। डॉक्टर सुनील चौधरी हमारे साथ थे जो खुद एक इंजीनियर हैं, कई पुल निर्माण में अपना योगदान दे चुके। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर डिजाइन में कमी होगी, डिजाइन सही नहीं होगा तब भी पुल टूटते हैं, अगर मटेरियल सही नहीं होगा तब भी पुल टूटते हैं, और ये दो मुख्य कारण है पुल टूटने का। और शायद इन दोनों कारणों में से कोई एक कारण बिहार में जांच के बाद पता चलेगा कि क्या है जो बार बार बिहार में पुल टूट रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज 18, पटना। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में पत्रकार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने शिवशंकर झा की हत्या में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 25 जून को मनियारी के पास पत्रकार शिवशंकर झा की बदमाशों ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए अवध बिहारी सिंह और रजनीश शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 25/6/2024 को मनियारी थाना अंतर्गत माणीपुर पाकड़ चौक में एक शिवशंकर झा नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। ये पेशे से पत्रकार हैं और हत्याविद को चाकू मार करके इनकी हत्या की गई थी। हम लोग के द्वारा उसी टाइम पे एक विशेष टीम का गठन किया गया था और टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी। टीम का नेतृत्व इसमें SDPO 2 West कर रहे थे और हमें इसमें जिन पे शुरू से डाउट था दो लोगों की हमने उसी में गिरफ्तारी की है और FIR जो दर्ज किया गया है, FIR में भी दो लोगों का नाम आया है, दोनों की हमने गिरफ्तारी की है। नवादा नगर भवन में नगर परिषद के 44 वार्ड पार्षदों में से 43 वार्ड पार्षदों ने मुख्य पार्षद का विरोध किया है और उनके मनमाने रवैये को लेकर के नाराजगी भी जताई है। जानकारी के मुताबिक मुख्य पार्षद पिंकी कुमारी ने बोर्ड की बैठक में कुल 9 एजेंडों को पेश किया जिसे 43 वार्ड पार्षद ने नियम के खिलाफ बताकर खारिज कर दिया। सभी वार्ड पार्षद ने कुल 15 एजेंडे को मीटिंग में रखा लेकिन मुख्य पार्षद बैठक को बीच में ही समाप्त करके निकलने लगी और इसी दौरान मीटिंग हॉल में नोकझोंक हुई। कार्यपालक पदाधिकारी ने पिंकी कुमारी पर नियमों का उल्लंघन कर बैठक में एजेंडा लाने की बात कही है। देखिए सर, क्या है ना, वो अपने मन से मनमानी करते हैं, वो हर वार्ड पार्षद को तरह तरह का लोभ देते हैं और किसी तरीके से किसी से संपर्क नहीं है, अपने मन से एजेंडा लाते हैं, अनाप शनाप बकते हैं, अनाप शनाप करते हैं, बोलते हैं हमको नवादा के जनता से क्या मतलब है, नवादा के जनता को तो हमने खरीद लिया है, ये झूठा वादा, नवादा को ग्रीन नवादा बनाएंगे, ये झूठा वादा। 48 की धारा 1 के तहत बोर्ड की बैठक बुलाई गई। इस बोर्ड में बैठक बुलाने के लिए कुछ एजेंडों को रखना पड़ता है, कुछ प्रस्तावों को रखना पड़ता है और ये धारा 27 अ के तहत स्पष्ट लिखा हुआ है कि सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों एवं वार्डों के द्वारा बैठ कर बातचीत करके और उनके दिशा निर्देश में तैयार होगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बाकी वार्ड पार्षदों में से किसी से बात करना जरूरी नहीं समझी और सारा एजेंडा स्वतः ले लिया। पिछले एक साल से बाकी पूरा वार्ड 44 वार्ड जो है इनके विरुद्ध है, इनके साथ किसी तरह का समन्वय नहीं है। काम चाह रहे हैं इन लोग, एक तो कोई विकास करने ही नहीं देना चाह रहे हैं लोग का कि हम लोग योजना नवादा शहर का विकास ला रहे हैं, इन लोग कोई भी हर समय इन लोग ऐसा ही मीटिंग में करते हैं, डेढ़ साल हो गया। अच्छा, क्या कारण था कि आपका कोई भी बात तो लोग नहीं माने, हर एजेंडा को इन लोग वही लिख के ही आए हैं कि इन लोग को कोई बात नहीं माने, विकास से मतलब इनको नहीं है, जनता का विकास है, एनी टाइम इन लोग लड़ाई का विचार है। सब जो है जनहित के लिए योजना रखी गई थी, क्या जनहित का कोई मुद्दा कोई हो रहा है, अगला क्या आपका स्टेप होगा, अगला स्टेप मीटिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे, हम लोग मीटिंग से कभी डरते नहीं है। इस मीटिंग में तो आपका सब खारिज हो गया, जितना भी खारिज पब्लिक को बताएंगे। जमुई के टीबी वार्ड में बीते 2 साल से डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं रहने के कारण टीबी मरीजों को भटकना पड़ रहा है। टीबी वार्ड में डॉक्टर नहीं रहने से मरीजों को जनरल ओपीडी में जाना पड़ता है जहां संक्रमण फैलने का डर बना रहता है। जिले में 500 से अधिक टीबी मरीज हैं। टीबी वार्ड में परेशानी का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। सरकार टीबी उन्मूलन के लिए अभियान चला रही है, लेकिन जमुई की अगर बात करें तो जमुई जिले के सदर अस्पताल में जो यक्षमा वार्ड है वहाँ पर बीते 2 साल से डॉक्टर नहीं है। अब डॉक्टर नहीं रहने से जो मरीज हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। जैसा कि देख सकते हैं कि मरीज यहाँ पर टीबी वार्ड में आए हुए हैं चिकित्सीय सलाह के लिए, लेकिन डॉक्टर नहीं रहने से इनको काफ़ी परेशानी होती है। बता दें कि इन लोगों का अलग OPD होता है और जनरल OPD में ये लोग इलाज नहीं करा पाते हैं क्योंकि संक्रमण फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो डॉक्टर का चैम्बर है,
जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अक्षमा पदाधिकारी या यूं कह सकते हैं कि जो डॉक्टर का बैठने का चेंबर है वो खाली है, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। और यह दो साल से चलते आ रहा है, जिस कारण जो जमुई जिले में जो टीबी के मरीज हैं उनको परेशानी होती है। कब से डॉक्टर नहीं है यहाँ पर और कैसे चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे तो CDO सर भी नहीं है जो कि प्रभारी होते हैं टीबी के, ठीक है ना। तो अभी SMO प्रभारी बने हुए हैं तो काम चल रहा है, लेकिन मेडिकल ऑफिसर की बात की जाए तो 2018 में ही डॉक्टर सुची प्रसाद रिटायर कर गए थे, उसके बाद कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं हुई है। टीबी मरीज हैं, उनकी परेशानी बीते दो साल से जस का तस है जमुई में, यहाँ पर डॉक्टर नहीं रहने के कारण। जरूरत है कि टीबी वार्ड में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी तैनाती यहाँ कर दी जाए ताकि यहाँ के मरीजों को फायदा मिले और साथ ही जमुई जिले में टीबी उन्मूलन अभियान को बल मिले। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। बिहार के खिलाड़ी नेशनल लेवल पर खेलें, इसके लिए बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है। खेलो इंडिया स्टेट ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन 28 जून को होने जा रहा है और इस सेंटर में बिहार के खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही उनकी डाइट का पूरा ख्याल रखा जाएगा ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हो सके। क्या है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तैयारी, जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका उद्घाटन 28 जून को होने जा रहा है, ये सेंटर बिहार के बच्चों के लिए मददगार होगा। बिहार के बच्चे नेशनल खेले, इसके लिए इस सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। खेल डीजी रविंद्रन शंकरन हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ा सेंटर खासकर बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चे नेशनल खेले, उसके लिए ये सेंटर कितना मददगार होगा? बहुत मददगार होगा, इसलिए कि ये स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार दोनों मिलके ये प्रोग्राम चला रहे हैं। और इसमें क्या है ना, आपको इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कोच, इतना सारा सुविधा के साथ ये एक्सीलेंस सेंटर चलेगा। और कोचेस जो हम लोगों ने हायर किए हैं एज कंसल्टेंट्स, वो लोग या द्रोणाचार्य है या खेल विशेषज्ञ, खेल एक्सपर्ट्स हैं या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। जैसे कि वेटलिफ्टिंग के लिए हम लोग द्रोणाचार्य हंसा शर्मा मैडम को चीफ कोच के रूप में लिए हुए हैं। तो वैसे बड़े बड़े कोचेस के देखरेख में हमारा बच्चे ट्रेनिंग करेंगे। और आजकल स्पोर्ट्स साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी बताया आपको किस तरह का खाना खाना है और कितना रेस्ट करना है और रिहैबिलिटेशन करना है और फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब चोट लगता है तो फिजियोथेरेपिस्ट का ज़रूरत पड़ता है, मसाज करने वाले की ज़रूरत पड़ता है और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट उसका ज़रूरत पड़ता है। बिकॉज बच्चे कंपटीशन में कितना स्ट्रेस ले सकते हैं, उस स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब चीज़ हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट उनको गाइड करेंगे। तो सारे सुविधाओं के साथ ये बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा ताकि हमारा बिहार के बच्चे नेशनल जावे और ओलंपिक्स भी जावे। बिल्कुल, तो कोशिश यही है कि बिहार के बच्चे खेल तो रहे हैं लेकिन वो और बेहतर खेलें, नेशनल के अवार्ड हैं वो अपने नाम करें और कई सारे अवार्ड बिहार की झोली में डालें। इसी के लिए इस सेंटर का निर्माण किया गया है जिसका उद्घाटन 28 को होने वाला है। कोशिश है बिहार के बच्चे बिहार का नाम रोशन करें। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बिहार में मॉनसून के आगमन के बाद कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। किशनगंज, अररिया और कटिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ठनका से सावधान रहने की भी अपील की गई है लोगों से। अरब सागर से मजबूती के साथ बिहार पहुंच रहा मॉनसून, अगले दो दिनों में पूरे बिहार में मॉनसून का असर देखने को मिलेगा। बक्सर, अरवल, आरा, भभुआ, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जहानाबाद, शेखपुरा, सिवान, गोपालगंज, नालंदा में अब तक मॉनसून नहीं पहुंचा। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल 3 जुलाई तक भारी बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। तो कई जिलों में मॉनसून के आने के बाद अलर्ट जारी किया गया है, कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार के कई जिले में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, कई जिले में झमाझम बारिश भी हो रही है तो कई जिले में गर्मी से लोग परेशान हैं। सिवान में अभी भी तापमान 30 और 35 डिग्री के बीच रह रहा है। सिवान में कभी हल्की बारिश तो कभी तेज धूप से लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है क्योंकि उनकी खेती पर इसका असर पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। दस्तक दे दिया है, बिहार के कई जिले में झमाझम बारिश हो रही है तो कई जिले में धूप,
सिवान में भी कभी बारिश और कभी धूप से लोग परेशान है। यह तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे ओवर ब्रिज की है, जहां हल्की हल्की धूप है और आसमान में काले काले बादल भी आप देख सकते हैं। कुछ लोग हैं, हम जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। हमें अभी बहुत बेकार महसूस हो रहा है, जैसे बारिश थोड़ा होगा तो बहुत अच्छा महसूस करेगा। अभी गर्मी बहुत हार है, टेम्परेचर 35 प्लस है सिवान जिले के बाद। बारिश और धूप से बहुत परेशानी हो रहा है कि कभी गर्मी हो रहा है, बहुत आदमी तबाह हो जा रहा है, कहीं बारिश हो रहा है तो बढ़िया लग रहा है, थोड़ा मौसम सही हो रहा है। गर्मी पड़ रहा है, बारिश कितना हल्का फुल्का फुहारा आ रहा है और बारिश होता झमाझम बारिश होता तो धान का खेती होता, धान बुआई होता। सिवान में अभी भी लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है, ताकि झमाझम बारिश हो तो सिवान के लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिल सके, तो वही किसान अपने धान की बुआई कर सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। कैमूर के किसान मौसम की बेरुखी से परेशान हैं। बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। किसानों के धान का बिचड़ा सूख रहा है। कैमूर को धान का कटोरा कहा जाता है। किसानों का कहना है कि नहर से अब तक पानी नहीं पहुंचाया गया है, मॉनसून के आने में भी देरी हो रही है, इससे किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसान जो था समरसेबुल से जगह जगह बीज डाले, फिर उसके बाद कहीं कहीं तो ऐसा है कि वहाँ समरसेबुल भी नहीं है, तो सूखा का बहुत प्रॉब्लम है। अभी बीज उज का प्रॉब्लम हो रहा है, पटाने उटाने में यही सब दिक्कत हो रहा है। तो देखिए, भगवान भी बारिश नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से नहर का वही हाल है। अब हम बिया हुआ डला गया है सब, और धूप इतना तेज निकलता है कि पूरा बिजड़ा सूख जाता है। और बिजली का भी वही हाल है कि रात में पूरा रात बिजली नहीं रहता है तो पटाया कैसे जाए। दिन बहुत दिक्कत भल का भेल, जैसे कि मानसून भी नहीं खेब बहिनाल, नहर भी नहीं आई, बिया बाल झुरा गल बा, दरार भी फाटल बा, यही प्रॉब्लम बा, सरकार के बहुत कमी बा। नालंदा में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर के लगातार तैयारी चल रही है, लेकिन रहुई प्रखंड के मिर्जापुर गांव के पास पंचानी नदी का तटबंध क्षतिग्रस्त है। अगर बारिश हुई और पंचानी नदी में तेज बहाव आया तो ये तटबंध टूट जाएगा, कई एकड़ खेत जलमग्न हो जाएंगे। और आपको बता दें कि मिर्जापुर गांव के भी पानी में डूबने का खतरा है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। नालंदा जिले में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है, लेकिन जो है स्थल पर कहीं तटबंध का मजबूती का नजर नहीं आ रहा। तो देख सकते हैं, अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के मिर्जापुर गांव में, जहां पर जो है पंचानी नदी किनारे जो है एक तटबंध जो है अभी भी जर्जर हालत में है, और यहां पर किसी भी तरह का कोई मरम्मती कार्य नहीं कराया गया है। हालांकि अब बारिश का समय आ गया है, अगर बारिश हुई और जो नदी में पानी आई तो एक जो है ये तटबंध है जो कभी भी टूट सकता है, और जो है खेत में जो है पानी लीन हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है ये मिर्जापुर गांव के पास जो है यहाँ पर जो है तटबंध दोनों छोर पर जो है जर्जर हालात में है। यहाँ पर अभी तक किसी भी तरह का कोई मरम्मती कार्य नहीं कराया गया है। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या हालात है, ये बताया जाए कि यहाँ पर क्या स्थिति देख रहे हैं। यही देख रहे हैं, तटबंध बहुत हालत खराब है इसका, आओ क्या मिट्टी गिर रहा है नदी में, कोई इसका कोई ठेकेदार सूचना नहीं ले रहा। तो लगातार तैयारी चल रहा है कि अति तटबंध को मजबूती किया जाए। जी हाँ, तटबंध को तो मजबूती करना जरूरी है सर। ये तो फूटे वाला मिर्जापुर दह जाएगा, नहीं तो हाई स्कूल दह जाएगा, एकदम फाटल है धरती लेके एकदम। तो ये नीचे से देख रहे हैं कि एकदम खोल टाइप का जो बना दिया है, ऊपर से ठीक है नीचे से खोल है, अगर कोई गाड़ी फोर व्हीलर चढ़ा दिया तो लेकर नीचे गिर जाएगा। तले से खोल है सर, ऊपर से खाली सबूती है, गाड़ी उड़ी आवेगा तो एकदम फंस जाएगा। ये पश्चिम जो है अगर तटबंध टूटा तो जो खेत खलिहान है वो दह जाएगा, और जो पूर्व है तो उस गांव में जो है पानी भर जाएगा। इसको लेकर जो है यहाँ पर ग्रामीण जो है भयभीत है, चिंतित है। लोगों का साफ कहना कि इसे समय रहते तटबंध को मजबूती किया जाना चाहिए। नालंदा से न्यूज 18 के अभिषेक कुमार। गंगा नदी का जलस्तर कम होने के कारण जेपी गंगा पथ का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कृष्णा घाट के पास से जेपी गंगा पथ की कनेक्टिंग सड़क जल्द ही तैयार हो जाएगी, जिससे शहर के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। जेपी गंगा पथ होते हुए दिघा से लेकर गायघाट तक लोग बिना जाम में फंसे आराम से सफर कर पा रहे हैं, और अब गायघाट से लेकर कंगन घाट तक भी लोग बिना जाम में फंसे सफर कर पाएंगे।
जेपी गंगा पथ दीघा से लेकर कंगन घाट तक तैयार हो चुका है और ऐसे में जगह जगह कनेक्टिंग पथ भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं कृष्णा घाट के पास जो तस्वीर है वो बयां कर रही है कि जो कनेक्टिंग मार्ग है जेपी गंगा पथ का वो शहर से जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कृष्णा घाट के पास जेपी गंगा पथ की कनेक्टिंग मार्ग बनाई जा रही है। गायघाट के पास पहले से ही कनेक्टिंग मार्ग तैयार कर दिया गया है। कंगन घाट के पास भी कनेक्टिंग सड़क तैयार है। पीएमसीएच के पास लोग उसका इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं, यानी वहां भी कनेक्टिंग सड़क बनाया गया है। और अब कृष्णा घाट के पास जो कनेक्टिंग है शहर से जेपी गंगा पथ की वो लगभग तैयार है, यानी आने वाले दिनों में लोग कृष्णा घाट होते हुए भी जेपी गंगा पथ का जो सफर है वो पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो पानी का स्तर है वो कम है, लेकिन कनेक्टिंग मार्ग के कारण लोग सुगमता से जेपी गंगा पथ का सफर कर पाते हैं। और जेपी गंगा पथ बन जाने से अशोक राजपथ पर जो अधिक दबाव था, जाम की समस्या थी, उस जाम में फंसने से लोगों को भी निजात मिलेगा। यानी जगह जगह जो कनेक्टिंग मार्ग बनाई गई है उस कनेक्टिंग सड़क को होते हुए लोग आराम से दीघा से लेकर कंगन घाट तक का सफर आसानी से कर पाएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। प्रसव से पहले गर्भवती महिलाओं की जांच और टीकाकरण कराए जाने में शेखपुरा पूरे बिहार में पहले पायदान पर है। 113% लक्ष्य को पूरा करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ये बेहतरीन कार्य किए हैं। आंगनबाड़ी सेविका ममता और आशा कार्यकर्ताओं का इस सफलता में काफी योगदान है। सभी स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर महिलाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। प्रसव भी सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। बच्चा मृत्यु दर को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई कार्यक्रम चलाया हुआ। ऐसी स्थिति में शेखपुरा में कहा जाए तो जो प्रसव पूर्व जो जांच होती है लगभग 4 या 5 जांच कराया जाता है, उसमें पूरे बिहार में प्रथम स्थान शेखपुरा आया है। कुछ ममता भी दीदी और ये आशा कार्यकर्ता हैं, हम जानते हैं कि जब गर्भवती महिला की प्रसव के पूर्व कितना जांच कराते हैं और क्या क्या व्यवस्था करते हैं। क्या नाम है आपका? रिंकू कुमारी, हुआ घर पानापुर घाट के सुमहा पीएससी पढ़ता है। पता गर्भवती जब महिला होती है कितना बार जांच कराते हैं? 5 बार कराते हैं। 5 बार कराते हैं? हाँ। तो जो बच्चा सुरक्षित रहता है? हाँ। तो दिक्कत नहीं होता है? नहीं, जैसे माँ का ब्लड का कमी रहता तो पहले व्यवस्था कराने के लिए हम लोग पीएससी जाते हैं, मतलब 7 ग्राम से नहीं कम हो, 8 ग्राम से कम हो तो उसका ब्लड चढ़वाते हैं। स्टाफ में सभी लोग मिलकर एएनसी का कार्य अभी अच्छा हो रहा है। फर्स्ट फेज में ही पता चल जाता है कि आशा को भेजा जाता है कि मदर्स को ध्यान रखना है कि उनका जैसे ही स्टार्ट होता है एएनसी का टाइम आता है तो सेंटर पर ला के उनको जाँच कराए। उसका नतीजा है कि जो जच्चा बच्चा मृत्यु दर उसमें काफ़ी कमी आई है। जरूरत इसे बड़े पैमाने पर करें प्रचार प्रसार करने का, ताकि जो भी प्रसव पूर्व जो टीकाकरण सहित कब जो भी जांच हो रही सारी प्रक्रिया का पूरा किया जाए और ताकि जो है वो मृत्यु दर वो कम हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। बाड़मेर राजेंद्र सेतु पुल आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। राजेंद्र सेतु पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। राजेंद्र सेतु की मरम्मति का काम चल रहा है जिस वजह से राजेंद्र सेतु पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। राजेंद्र सेतु पुल उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। राजेंद्र सेतु पुल से स्पेन नंबर 2 में 122 मीटर की ढलाई की जानी है जिस वजह से इसे पूर्णतः ब्लॉक किया गया है। दिनांक 28 जून 2024 को रात्रि 10 बजे से 29 जून 2024 सुबह 6 बजे तक राजेंद्र सेतु ढलाई का कार्य हेतु दोनों तरफ से आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा, लेकिन इमरजेंसी सेवा जैसे एम्बुलेंस के लिए छूट दी जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।